सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोअलिम चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो रहे हैं। और वो क्यों बैन हो रहे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को भी जाके देख लेना है कि इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों बैन हो रहे हैं और वो बैन जो हो गए उन्हें कैसे ठीक करना है, वो मैं आज इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। जैसे कि पता है आपको दोस्तों, कोई भी वीडियो सेंड करते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में मैंने नीचे बता दिया है, आपको लिंक है वहाँ पे, आप जाके देख लेना उस वीडियो को, आपको उससे अलर्ट हो जाएंगे आपकी किस वजह से अकाउंट बैंड हो जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारा अकाउंट कैसे वापस आ गया इंस्टाग्राम का। सबसे पहले आपको अपने क्रोम में चले जाना है, क्रोम में जाने के बाद आपको क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर। जैसे ही आप इसे यहाँ पर लिखोगे इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऊपर की तरफ आ भी गई है इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका हेल्प सेंटर, इंस्टाग्राम के फीचर, अपना अकाउंट मैनेज करना, लॉगिन की समस्या हल, प्राइवेसी, या तो हो सकता है आपके फ़ोन में इंग्लिश में दिखाए ये या फिर हिंदी में दिखाए। तो हमें सिंपली अपना यहाँ पर देखना है कि लॉगिन की समस्या, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप देखेंगे मैं लॉगिन नहीं कर सकता, यानी मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, या अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड भूल जाने पर मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड रिसेट करना है तो मैं क्या करना चाहिए। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही आप नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यूज़र यहाँ पर लिखा है, मुझे इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट नहीं मिल रहा है या मुझे अपना यूज़र नेम नहीं पता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और फिर बाद में आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक आ जाएगी, यहाँ पर स्थायी संगत लिंक, आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है बैक माय इंस्टाग्राम आईडी, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि आपको इसमें किस किस चीज़ की उपस्थिति होगी आपको सिंपली इसमें डाल लेना है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर की तरफ, इन्होंने किस तरह की आईडी का स्वीकार करता है, यानी हम आपकी आईडी की पहचान वगैरह, मतलब इसमें सभी कुछ बता दिए गए आपको क्या करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाल दिए। और इसे डालने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर सुविधाओं पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइंस पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गई है और आपको ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ पर वैधिक संबंधी अधिकारों क्लिक कर लेना है आपको सिंपली, और यहाँ यह फॉर्म भर के आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारों को लगन की रिपोर्ट करना, आपको इस पर सिर्फ ट्रेडर्स पे क्लिक करना है और फिर बाद में रिपोर्ट के साथ नहीं बल्कि बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर बाद में आपको यहाँ पर कॉपीराइट उल्लंघन की रिपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएगा भरने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपीराइट क्या है, इसकी सुविधाएं क्या है। बहुत सारी इसमें कॉपीराइट्स वाली आ गई है, यहाँ फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर से आपको वही प्रोसेसर करना है। और फिर बाद में आपको यहाँ पर अपनी कॉपीराइट रिपोर्ट्स जारी रखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेना है, मैं ये अधिकार स्वीकार करता हूँ, इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। और फिर बाद में आपका जितनी भी आईडीज हैं, मतलब जो जो ये हम यहाँ मांग रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों इसे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इसे सबमिट कर लेना है, यानी जैसे ही आप भेजोगे, कभी कभी ऐसा होता है भेजने के बाद 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट बैक आने के लिए,
और या तो कभी कभी आपके अगले दिन ही पैक आ जाएगा। आपको ध्यान देना होगा, आपके ईमेल पर इसका अलर्ट मिलेगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से उसे रीसेट करना पड़ेगा अकाउंट को आपको, और फॉरवर्ड पे क्लिक करके आप उसे वापस पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक ज़रूर करना और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय।